हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग विज्ञान की श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे की ओर, जो कि जिसमें 1500 से लगभग 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसको हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग आपको विज्ञान का जो पहला सवाल था उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने दिया था। सर आइजक न्यूटन ने आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? आइजक न्यूटन, सी। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी उसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल सेम समान सवाल है, तो इसका आपको जो है ना आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, इसका कारण क्या है? निर्वात में जो वैकम होता है, उस वैकम में आपको अंतरिक्ष यात्री सीधा खड़ा इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वहां पे जो है ना आपको गुरुत्व नहीं होता है, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है। इसलिए आपको जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो गुरुत्व के ना होने के कारण, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, जो आपको अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो आपको सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं, मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार जो है ना आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे होता है। जो आपको ध्रुव होता है वहां पे आपको सबसे ज्यादा मानव शरीर का भार होता है। न केवल मानव शरीर बल्कि किसी भी वस्तु को अगर जो है ना ध्रुव पर रख देंगे तो उसका अधिकतम भार कहाँ पे आपको दर्शाएगा? अधिकतम भार आपको ध्रुव पे दर्शाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का जो भार होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी जस्ट हमने देखा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे की ओर बात करते हैं, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक पिंड का अधिकतम जो भार होता है वो आपको निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसी भी पिंड का अधिकतम भार जो है ना आपको हाइड्रोजन में सबसे अधिक होता है। ठीक है, एक पिंड का अधिकतम भार जो है ना वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो हाइड्रोजन में होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके पास जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। दो गेंद हैं, एक ए है और एक बी है। ए की आपको जो है ना द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको? 10 kg। और बी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको? 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, एक आपको जो है ना गेंद है जिसका मास 10 kg है और दूसरे गेंद का मास आपको 1 kg है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई के से आपको एक साथ गिराया जा रहा है। ठीक है, और दोनों का वजन क्या है आपको? दोनों का भार जो है ना आपको, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, तो कौन सा जो है ना निम्नलिखित में से सही है? पहले भूमि भूमि पर पहले एक गेंद पहुंचेगी या बी पहुंचेगी, या दोनों एक साथ पहुंचेंगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको लगेगा कि जो भारी है वो पहले गिरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी जो है ना दोनों के दोनों जो है ना एक साथ जब गिराए जाते हैं, यहाँ पे वैकम लिया जाता है, एयर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, वायु का प्रतिरोध अगर 0 है, तो ऐसी स्थिति में जब एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, चाहे 1 kg का गेंद हो, चाहे 2 kg का गेंद हो, चाहे 10 kg का गेंद हो, सबके सब आपको भूमि पर एक साथ ही पहुंचेंगे। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी मिलाने वाला काम हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है कुछ आपको लिस्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, दोनों में जो है ना आपको जोड़ी मिलाइएगा। रेडियम, रेडियम का खोज किसने किया था? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम का खोज आपको मैडम क्यूरी ने किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगर उसके बाद बात करें, पेनिसिलिन का आपको खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे का जो है ना खोज किसने किया था? डब्ल्यू के रोंटजन ने किया था। ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्ल्यू के रोंटजन ने किया था। और चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। इसलिए अब आप लोग देख सकते हैं, रेडियम, मैरी क्यूरी मतलब ए का सेकेंड, ठीक है, इसमें भी है, इसमें है, ये दोनों तो ऑप्शन जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बी का फर्स्ट मतलब जो है ना आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है,
वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ठीक है, तो आपको एक जो उपग्रह होता है, जो मतलब पृथ्वी का उपग्रह कौन है? आपको चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपको पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? आपको चक्कर लगाता है। तो मैं बात कर रहा हूं वह किसके कारण जो है ना लगाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल मतलब एक केंद्र की ओर अभिमुख होता है, ये जो आपको केंद्र की ओर लगता है, जिसके कारण ये जो है ना आपको चारों तरफ जो है ना पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्राभिमुखी बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार सबसे अधिक कब मालूम होगा? जब सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति जो है ना लिफ्ट में जाता हो, आप लोगों ने ये चीज को जो है अनुभव भी किया होगा कि जब हम लोग लिफ्ट में जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं, किस किधर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो लगता है कि हमारा भार जो है ना अधिक हो गया है, और जब नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा भार हमें खुद हल्का महसूस होता है। आ रहा है समझ में? लगता है कि हमारा भार जो है ना क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा भार जो है ना आपको अधिक महसूस होता है, और जब नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा भार क्या होता है, आपको कम महसूस होता है, ठीक है। तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति अपना भार कब अधिक महसूस करेगा? जब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। लोलक की कालावधि मतलब जो लोलक का आपको टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो लोलक का टाइम पीरियड आपको लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। लोलक का जो टाइम पीरियड होता है, जो आपको लोलक होता है, पेंडुलम होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका जो है ना आपको टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो उसकी लंबाई पे निर्भर करता है। मतलब एल देखिएगा, आपको टी बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा 2√L/g। तो लोलक का जो है ना आपको जितना आपको लंबाई ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। आपको फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो एल जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड भी आपको उतना ही ज्यादा होगा। मतलब लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसके लंबाई पे डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। जो लोलक घड़ियां होती हैं वो क्यों गर्मी में सुस्त हो जाती है? क्योंकि आपको लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, उन लोलक की जो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब आपको उस घड़ी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। टाइम पीरियड क्या हो गया आपको, बढ़ गया मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इसलिए गर्मी में जो है ना आपको उसमें एक्सपेंशन के कारण गर्मी में जो है ना आपको उसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसके कारण आपको लेंथ के बढ़ जाने के कारण उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। उसका आपको जो कालावधि होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो घड़ियां क्या हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं, आपको सुस्त हो जाती हैं। आगे की ओर बात करते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, मैंने पहले ही बताया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप किसी न किसी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है, बैठी हुई है और बैठ के वो क्या कर रही है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? तो आपको खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा, ठीक है। आपको एक लड़की जो है ना झूले में बैठ के क्या हो रही है, आपको झूल रही है, वो खड़ा हो जाएगी तो उसका जो है ना आपको आवर्तकाल टाइम पीरियड जो है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसको एस्केप वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ये जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ का वो कितना है आपको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी वस्तु को आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसके वेग से अगर फेंक दिया जाता है तो वो आपको वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। मतलब वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी से उस वस्तु का पलायन हो जाएगा, वो वापस वस्तु नहीं आएगी। तो इसलिए पृथ्वी का जो है ना एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो वर्षा की बूंद का जो है गोलाकार होने का कारण है सरफेस टेंशन। क्या है आपको, सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण
आपके उसके सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के सतही तनाव भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। उसके सतह में, उसके सरफेस में टेंशन होने के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं, वो त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार नहीं हो करके, ये आपको पेंटागन टाइप से ये नहीं हो करके, हेक्सागन टाइप से नहीं हो करके, उसका जो है ना आपको आकार कैसा होता है, गोलाकार का होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि वर्षा की बूंदें कैसे होती हैं, गोलाकार होती हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र की घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, जब द्रव बूंद होता है वो संकुचित होकर आपको सबसे कम जो है ना आपको कब स्पेस घेरेगा कोई भी लिक्विड, जब वो गोलाकार रूप में रहेगा, सबसे कम क्षेत्र जो है ना तभी वो घेरेगा, और इसका कारण क्या है आपको, पृष्ठ तनाव है, इसका कारण सरफेस टेंशन है, ठीक है। सबसे कम क्षेत्र कब घेरेगा, जब वो गोलाकार होगा तभी उसका जो है ना सबसे कम क्षेत्र को घेरेगा। आगे की बात करते हैं, तो हम लोग देख रहे थे आपको साइंस की क्वेश्चंस। कृपया वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीचर, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपीएसआई या अन्य किसी भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल वगैरह की, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है, तेल क्या हो जाता है, जल के तल पे क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्यों? तो इसका कारण सिंपल सी बात है कि अब जो ऊपर की ओर है, मान लो कि तेल, ठीक है, और ये क्या है, नीचे में क्या है, जल, मतलब तेल का घनत्व क्या होगा, कम होगा, तेल का डेंसिटी कम होगा, किसके घनत्व से, जल के घनत्व से, जल का आपको घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए आपको जो कम घनत्व वाला जो सब्सटेंस होगा, जो कम घनत्व वाला जो आपको पदार्थ होगा, वो आपको अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर आपको फैल जाएगा, उसके ऊपर तैरने लगेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तेल जल के ऊपर फैल जाता है, क्यों, क्योंकि तेल जल की अपेक्षा कम घना है, मतलब तेल का जो घनत्व है वो आपको जल की अपेक्षा कम घनत्व है, ठीक है। तो तेल का घनत्व जो है ना आपको क्या है, कम है, किससे, जल के घनत्व से। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हमने बोला एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है, तो हमने बोला कि जो तरल है वो जल की अपेक्षा अधिक, तरल जो है वो केस नली में, कैपिलरी में आपको ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण आपको क्या है, जो तरल है उसका सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग पहले पढ़े हैं बचपन में, कि जैसे हम लोग दिया से, लैंप से, ये सब सारी चीजों से जब पढ़ते थे, तो उसमें जो है ना केरोसिन का तेल जो है ना वो आपको ऊपर की ओर आता था, ठीक है, ऊपर की ओर, जिसके कारण जो है ना वो आपको लैंप जलते रहता था, अगर जो है ना तेल नहीं जाएगा तो आप वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक आपको चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है, आपको जो तरल है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, उसका सरफेस टेंशन जो है ना आपको ज्यादा होता है तरल का, उस लिक्विड का, इसलिए वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जब किसी झील की तली से उड़कर वायु बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार सिंपल सी बात है, बढ़ जाना चाहिए। अगर हमने क्या देखा कि कोई झील की तली पे जो है ना आपको बुलबुला आ जाता है, पहले वो झील के अंदर था, सतह पे था, वो जो है ना आपको झील की तली पे आ गया, तो आपको उसका आकार क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। झील के तली पे आने पे उसका जो है ना आकार बढ़ने का कारण ये है कि जब वो ऊपर की ओर आता है तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब प्रेशर घटेगा, दाब घटेगा, तो सिंपल सी बात है, दाब घटने के कारण जो है उस बुलबुले का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब झील के तली पे है, ये झील है, उस झील के मतलब सतह के नीचे है, सतह के पे है, तो आपको उसकी अगर मैं बात करूं सरफेस नीचे, निचली सरफेस पे है, तो उसका जो है ना आकार छोटा होगा, और जैसे ही झील के तली पे आएगा तो उसका आकार इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आपको उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आने के कारण आपको दाब कम लगेगा, और दाब कम लगेगा जिसके कारण उसका जो है ना आपको साइज बड़ा हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं, ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की संयामता क्या होती है, तो ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की संयामता घटती है। जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर जो है ना आपको बढ़ाते हैं,
तो आपको लिक्विड का जो विस्कोसिटी, श्यानता होता क्या है अंग्रेजी में, इसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी मतलब इसकी इकाई, श्यानता की इकाई क्या होती है, तो आपको क्वाइज होती है। क्या होती है? क्वाइज। ठीक है, हम यहाँ पे आपको हिंदी में लिख दिए। आपको श्यानता की इकाई क्या होती है, तो क्वाइज होती है। ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ना आपको लिक्विड का जो है ना आपको श्यानता, उस श्यानता मतलब होता है चिपचिपाहट का गुण, चिपचिपाहट का गुण। तो आपको जैसे जैसे जो है ना आपको तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे द्रवों की जो है ना आपको चिपचिपाहट वाला गुण क्या हो जाता है, आपको खत्म हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपको, हल्ला नहीं करो, ठीक है, वैसे वैसे आपको जो है ना द्रव की श्यानता क्या होती है, आपको घट जाती है। तो सबसे पहले जो है ना श्यानता मैं बता दूं आप लोगों को, श्यानता मतलब होता है चिपचिपाहट वाला गुण। चिपचिपाहट क्या होता है? चिपचिपाहट आप लोग जैसे जो है ना देखा होगा, तेल और पानी में कौन किस कौन ज्यादा चिपचिपा होता है? तेल ज्यादा चिपचिपा होता है। मोबिल और जो है ना, मैं बात करूं पानी में, तो मोबिल बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपको जो है ना चिपचिपाहट का गुण होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो चिपचिपाहट का गुण आपको टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो है ना चिपचिपाहट का गुण जो है ना तापमान बढ़ने के साथ साथ आपको विस्कोसिटी का गुण, जो चिपचिपाहट का गुण होता है, श्यानता को जो गुण होता है वो घटने लगता है। ठीक है, और हमने ये भी बताया श्यानता की इकाई आपको क्या होती है, क्वाइज होती है। सबसे ज्यादा श्यानता किस में होती है? तो सबसे ज्यादा श्यानता की अगर मैं बात करूं तो वो आपको, अब देखिए ना, जल, खून, वायु और शहद आपको साफ दिख रहा है, चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा चिपचिपाहट कौन होगा? जल होगा या वायु होगा या आपको खून होगा या शहद का, सबसे ज्यादा जो है शहद चिपचिपाहट होता है, जिसको हम लोग मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपको सबसे ज्यादा चिपचिपाहट किसमें पाया जाएगा, आपको शहद में, किसमें? शहद। आगे की अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? आपको पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना आपको कार्य करता है। पास्कल के नियम पर जो है ना आपको कौन क्या कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक आपको पास्कल के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो पास्कल का नियम। ठीक है, बैरोमीटर पठन में अचानक जो है आपको गिरावट हो रहा है, एकाएक से जो बैरोमीटर होता है उसके रीडिंग में क्या हो रहा है, एकाएक से गिरावट देखने पे आपको मौसम का कौन सा दशा इंगित होता है? मतलब तूफानी मौसम होने वाला है। ठीक है, क्या? तूफानी वर्षा होने की संभावना होती है, तूफानी मौसम होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक वो आपको एकाएक से नीचे की ओर बढ़ता गिरता है। और अगर पाठ्यांक धीरे 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 जो है ना आपको अगर ऊपर की ओर जाता है बैरोमीटर का, तो आपको स्वच्छ मौसम का आपको संकेत होता है। ठीक है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर नीचे की ओर जो है एकाएक से गिरता है तो आपको तूफानी मौसम, वर्षा वाला मौसम होने का संकेत है। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। जब हम लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो पेन की स्याही इसलिए निकल जाती है क्योंकि आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब सिंपल सी बात है कि जो बाहर का प्रेशर क्या है, कम, और अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा। अंदर ये जो आपको ये जिसमें जो इंक है इसका प्रेशर अंदर का जो है ना क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, साम्यावस्था में लाने के लिए आपको इससे जो है ना क्या हो जाएगा, आपको इंक निकलना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पेन से क्या निकलने लगता है आपको, उसका इंक निकलने लगता है क्योंकि एटमोस्फेयर जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि आपको पेन से क्या निकलने लगता है, स्याही निकलने लगता है, क्योंकि पेन के स्याही के अंदर का दाब अधिक होता है और आपको जो वायुमंडलीय दाब होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित क्यों रहते हैं? अरे सिंपल सी बात है, जब पानी का घनत्व, सबसे पहले पानी का घनत्व सबसे ज्यादा आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कब कहां पे सबसे ज्यादा होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है।
मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन बता दूं कि आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो सबसे अधिक है, मतलब आपको पानी जो आपको H2O है, जो आपको मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, सबसे नजदीक नजदीक है। घनत्व तो मतलब ज्यादा है, मतलब उसके जो अणु हैं वो पास पास हैं। अणु पास पास हैं मतलब जो है ना वो आपको कम से कम जगह घेरेंगे, कम से कम जगह घेरेंगे। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो क्या है आपको ज्यादा है, इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व तो है, इसलिए आयतन जो है ना आपको सबसे कम होगा। अरे सबसे कम जगह घेरेगा ना, क्योंकि घनत्व तो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो आपको उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, आपको कम हो जाएगा। घनत्व तो ज्यादा होने के कारण वो कम जगह को ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व तो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। लेकिन अगर बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है, आपको सबसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि घनत्व तो अधिक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो आपको जगह को कम घेरेगा, जगह को कम घेरेगा, मतलब उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। खैर, क्वेश्चन हमारे पास है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जो जलीय जंतु होते हैं वो आपको जीवित रहते हैं, मछलियां वगैरह जो होती हैं, जो कुछ भी आपको एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो कि जल में जो आपको पाए जाने वाले जंतु होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना आपको जीवित क्यों रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होने का, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अब वो बर्फ ऊपर से है, नीचे की ओर क्या होता है आपको, पानी होता है। बर्फ ऊपर की ओर है और नीचे क्या होता है आपको, पानी होता है। तो इसके कारण जो है ना जलीय जंतु जो होते हैं, मछलियां होती हैं, वो जीवित रहती हैं। सिंपल सी बात है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका जो है प्रयोग करते हैं ये लोग सांस लेने के लिए, तो पानी में जो आपको घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसका प्रयोग करके जो है ना अंदर आपको जीवित रहती है, उसको एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा। सिंपल सी बात है, वस्तु का मात्रा बदल दिया। अगर मान लो कि हमने, मैं ले ले रहा हूं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल, पानी, पानी हमने ले लिया और पानी 1 लीटर पानी लिया, तो सिंपल सी बात है, ये आपको 1 लीटर पानी लो या 2 लीटर पानी लो या 3 लीटर पानी लो या 4 लीटर पानी लो, कितना भी ले लो पानी, उसका घनत्व थोड़ी ना बदलेगा भाई, भार तो बदल गया ना। 1 लीटर से क्या हो गया, 2 लीटर, तो आयतन बदल गया, ठीक है, आयतन बदल गया। आयतन बदलने के कारण उसका द्रव्यमान भी, अरे अब इसको 1 केजी से 2 केजी हो गया मान लो, तो उसका द्रव्यमान भी बदल गया, भार सब बदल सकता है। लेकिन अगर वस्तु की मात्रा बदल दिए तो इसका पहले जितना पानी का घनत्व था उतना ही पानी का घनत्व रहेगा ना, पानी का घनत्व थोड़ी ना बदल जाएगा वो आपको वस्तु में, आपको वस्तु की मात्रा अगर बदलते हैं तो उसका भार बदल सकता है, 1 केजी से 2 केजी भार बदल गया, 1 लीटर से 2 लीटर उसका आयतन बदल गया, लेकिन उसका घनत्व जितना रहेगा वो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको घनत्व नहीं बदलेगा। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है। जो लोहे की कील होती है वो पारे पे क्यों तैरती है, इसका सॉरी, लोहे की कील पर, लोहे की कील पारे पारे पर बैठ जाइए जल्दी से, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। लोहे की कील पे आपको लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। अगर मैं बात करूं लोहे की जो कील है वो पारा पर क्यों तैरता है जबकि पानी में लोहा का कील क्या हो जाता है, डूब जाता है, उसका कारण ये है, क्योंकि लोहे की अगर मैं बात करूं, ये रहा लोहा, ठीक है, ये रहा आपको पानी और ये रहा आपको पारा, ठीक है, पारा की अगर मैं यहाँ पे पारा लिख दे रहा हूं, ठीक है। लोहे का घनत्व तो जो है ना आपको पानी से ज्यादा होता है, लोहे का घनत्व तो क्या है आपको, पानी से ज्यादा। अब इसलिए जो है ना घनत्व तो अगर ज्यादा है लोहा का तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा, आपको पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पारा से, तो पारा से जो है ना आपको लोहे का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, मतलब पारा का घनत्व तो क्या होता है आपको, लोहा से ज्यादा। अब लोहा से घनत्व तो पारा का ज्यादा है, मतलब सिंपल सी बात है इसका घनत्व तो क्या है, लोहे का कम है, लोहे का क्या है, पारा से कम है, इसलिए लोहा क्या होगा आपको, वो
ऊपर की ओर तैरेगा, क्योंकि जिसकी घनत्व तो कम होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है, वो आपको ऊपर की ओर तैरता है, और जिसका घनत्व तो ज्यादा होता है वो नीचे की ओर होता है। तो आपको पानी से घनत्व तो लोहा का क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए लोहा डूब जाता है। और अगर मैं बात करूं पारा से, तो पारा से जो है ना आपको लोहा का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, इसलिए पारे के ऊपर लोहा तैरता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने ये। आगे की ओर बात करते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, क्वेश्चन है हमारे सामने कि जब हम लोग पानी कुएं से पानी को बाल्टी के से ऊपर खींचते हैं, जब कुआं का पानी, जब हम लोग कुएं में बचपन में जो है ना खेलते भी थे, तो कुछ रस्सी के सहारे से जो है ना बाल्टी वगैरह डुबाते थे, तो जब तक बाल्टी जो पानी के भीतर रहता था, बाल्टी जब पानी के भीतर रहता था तो उसको खींचना क्या होता था, आसान होता था। लेकिन जैसे ही आपको बाल्टी ऊपर की ओर आ जाता है, पानी के सरफेस से ऊपर की ओर आ जाता है, तो वो खींचना थोड़ा क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए कह सकते हैं, आप लोग करे होंगे और नहीं किए होंगे तो आप करके देखिएगा कभी, पानी के भीतर जब बाल्टी रहता था तो उसको खींचना क्या होता था, आसान। लेकिन जैसे ही पानी के भीतर से ऊपर आता था, पानी के सरफेस से ऊपर बाल्टी आता था, तो हमें क्या होता था महसूस कि बाल्टी जो है ना पानी की सतह से ऊपर क्या हो गया है, भारी हो गया है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो है ना, आप लोगों ने प्लवन का सिद्धांत देखा होगा, आर्किमिडीज का प्लवन का सिद्धांत कहता है कि आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग क्यों हो जाता है, क्रीम दूध से अलग होने का क्या कारण है, तो इसका कारण होगा आपके सामने। ठीक है, जब हम लोग मथते हैं तो क्रीम से दूध, क्रीम जो है ना अलग हो जाता है दूध से, तो इसका कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण आपको क्रीम दूध से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वॉशिंग मशीन भी जो है ना आपको जो होता है वो भी आपको इसी सिद्धांत पे काम करता है। वॉशिंग मशीन भी किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। अरे तो सिंपल सी बात है, उनका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। बादल जो होते हैं वो आपको तैरते हैं वायुमंडल में, क्योंकि उनका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। कम अगर घनत्व तो है तो आपको ऊपर की ओर तैरेगा, सिंपल सी बात है। आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो 1/10 भाग। हम लोग जैसे ही, अगर हम लोग किसी भी जो आपको बर्फ होता है, बर्फ को हम लोग जो है ना ग्लास में डुबाएं या जो है ना आप लोटे में डुबाएं, बाल्टी में डुबाएं, तो बर्फ का जो 1/10 भाग होता है वो आपको सतह से ऊपर की ओर होता है। किस चीज से ऊपर की ओर होता है, मान लो कि पानी का सरफेस ये है, तो पानी के सरफेस से उसका दसवां हिस्सा, कितना परसेंट, 10% आपको पानी के ऊपर, ये मान लो कि बर्फ है, तो ये आपको उसका जो दसवां हिस्सा होगा वो पानी से कितना होगा, आपको ऊपर होगा। ठीक है, 10% 1/10 भाग, कितना भाग, 1/10 भाग। आगे की अगर मैं बात करूं, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर से आपको, आपके सामने बिल्कुल सामान्य सा सवाल है, सामान्य सा सवाल यह है कि एक बर्फ का टुकड़ा जो है आपको तैर रहा है ग्लास में, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो सिंपल सी बात है, रिमेंस अनचेंज, उतना ही रहेगा। अरे जितना पिघलेगा उतना, वो बर्फ के अंदर, बर्फ जो है ना आपको ग्लास के अंदर रखा हुआ है, तो उसका सरफेस का, उसका सतह में जो है ना कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं आएगा, उसके सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना उसका जो है ना पहले सतह था, जितना पहले, जितना उसका लेवल था, जितना पहले स्तर था, उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंपल सी बात है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको शरीर क्या हो जाता है, तैरता है, लेकिन तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र का जो आपको घनत्व होता है, समुद्र के जो पानी का घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड मिले होते हैं, NaCl मिला होता है, उसका पानी नमकीन होता है, जिसके कारण आपको उसमें तैरना क्या होता है, उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। समुद्र में तैरना क्या हो जाएगा, आसान होगा,
क्यों होगा आसान भाई? क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, मतलब कह सकते हैं समुद्री जल क्या होता है? नमकीन होता है। इसका मतलब सही सबसे अच्छा आंसर क्या होगा कि घनत्व तो क्या होता है? अधिक होने के कारण। और नदी के पानी का घनत्व तो क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है आपको समुद्री पानी की अपेक्षा, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है और नदी में तैरना थोड़ा सा मुश्किल। इस तरह से आज के लिए इतना ही, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलेंगे फिर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।